नमस्कार दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रविंद्र। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि जियो पोज प्लस का पासवर्ड आप किस तरह से चेंज करोगे। चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिए, वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी नए हो और आपने हमारा टेक्निकल स्टार यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑल कर दें, जिससे भविष्य में कभी इस तरह का वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। दोस्तों चलिए दोस्तों सीधा चलते हैं जियो पोज प्लस में और आपको हम दिखाएंगे कि जियो पोज प्लस का पासवर्ड आप किस तरह से चेंज करोगे। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। आपको नीचे लॉगिन के नीचे दिख रहा होगा फॉरगेट पासवर्ड, आपको फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूज़र नेम, यूज़र नेम पे क्लिक करना है और अपनी 068 वाली आईडी आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। जिस तरह से मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है दोस्तों, तो सेम आपको 068 वाली जो आपकी लॉगिन आईडी है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे नीचे कनेक्टिंग का नंबर ये दिख रहा है, यहाँ पे कर दीजिए ओके। उसके बाद में आपको दिख रहा है ये आपकी जीमेल आईडी है और वो ऊपर मोबाइल नंबर है दोस्तों, तो आपको सेंड ओटीपी कर देना है। सेंड ओटीपी करते हैं दोस्तों, आपका जो पर्सनल नंबर है, जो लापू नंबर है, उस पर एक ओटीपी आएगी, वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। जब भी कभी भी कोई भी इशू हो, लॉगिन ना हो या आप पासवर्ड भूल गए हो या कोई एरर दिखा रहा है लॉगिन एरर, तो दोस्तों आपको सीधा ही आपको अपना पासवर्ड चेंज कर देना है, जिस तरह से मैं चेंज करके दिखा रहा हूँ कभी भी भविष्य में। और दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पे अपना कोई भी, जैसे कि मैं कुछ भी बना देते हैं ABC और कुछ भी बना लीजिए, और आपको सेम वही नीचे डालना है। और उसके बाद दोस्तों और आपको यहाँ पे चेंज पासवर्ड कर देना है। जैसे आप चेंज पासवर्ड कर दोगे तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा और आप अपने पोज को नए पासवर्ड के साथ लॉगिन कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों यह था आज की वीडियो में कि जियो पोज प्लस का पासवर्ड किस तरह से चेंज करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।